दारू मिला के पिलाए, क्या बोल के पिलाए? कुछ भी नहीं, दारू पिलाए, दारू के अंदर दवा डाल के पिलाए। दवा कहाँ से लाए थे? शमशान से, कब्रस्तान से? सही बोल। नहीं मालूम नहीं। और क्या बोल के पिलाए थे? इसको सदा परेशान रखना, हाँ इसको पिलाते रहना दारू लीजा लीजा के। हाँ फिर क्या बोल के? हाँ और क्या कर रहे थे? इसको तबा बर्बाद करके मार देने का था? नहीं। फिर खर खर सांग, मैं तो पूरा जला दूंगा दोनों हाथा वो। परेशान करने का था। हाँ और कुछ भी नहीं। हाँ दुश्मनी क्या थी? खेत की, जमीन की, घर की? कुछ भी नहीं। फिर ऐसा थ्यूच? अच्छा नहीं दिख रहा था। हाँ अच्छा नहीं दिख रहा था। खुद तक कमाई कर रहा था क्या? उन्हें तरक्की कर रहा था? हाँ। और कुछ भी नहीं। इसके घर से और किस किस को मारने वाले? हम्म, घर में और किस किस पे जादू करे? नहीं करे। सही बोलने तो पूरा जला दूंगा। नहीं करे, नहीं करे। हाँ इसको अम्मू श्यामे पूर्णिमा में कब ले जाने का था दारू पिला पिला के? नहीं लेके। हाँ फिर क्या? खाली दारू पिला के लौटने लगाने का था? हाँ जोर से बोल। और सुन लिए, कौन ही कौन पिलाया था इसको दारू में? नाम बोल, नाम नहीं तो पूरा जला दूंगा। कौन पिलाया था वो? ठीक है चलो, इसको एक मौका दो, इसको ना लायक को, और इसको मार मार के दूसरे चक्कर तक मेरे सामने लाओ। इन्हें दूसरे चक्कर में आके सब बयान करना, कौन पिलाए थे दारू मिला के, कितने लोग थे, सबके नाम बयान करना। जब तक उसको बन के मारते रहो, उसको उतारे के अंदर उसकी सारी शक्तियों को चिंता करो, मार मार के खत्म करो तेज के साथ में। कैमरा लेकर मार दे रहा उसको ना लायक को, जब तक खत्म करो उसकी सारी शक्ति वक्ति। ओ अभी अंदर आया, वो जो भी शय है वो हाजिर होके बोल रहा कि दारू में दवा मिला के पिलाए थे। मैं तो ये बोला उसकी जबानी अंदर जो भी बलाई उसने बयान करा, रिकॉर्डिंग में सुन लो क्या बोला उसने, दारू के अंदर मिला के पिलाए। तो इसका मतलब उसको दारू पिला पिला के तबाही बर्बादी लगा के खत्म करने वाले थे। और तीसरी बात के इसका मतलब फिर उन्हें ना चाहते हुए भी खुद ब खुद खींचता हुआ दारू पीने की तरफ जाता था, नशे की तरफ, नशे की तरफ। क्या करता था उन्हें, क्या त्रास हो रहा था? दारू पी रहा था भाई। देखो ये उन्होंने लाए अभी अंदर लाके उसको यहाँ बिठाए बिठाते चल रहा हुक्म से, आंग में आया, आंग में आके हाजिर हुआ। इससे पहले आंग में हाजिर हुआ क्या उसके कभी? अच्छा इससे पहले कभी आंग में आया था क्या उसके? मैंने ऐसा दारू क्यों नहीं करा? शैतान आके बात करा क्या कभी? शैतान ने बात की नहीं, मतलब भाई आदमी मुझे भाई। उन्हें दारू पीने के बाद उसको एक औरत दिखती थी बोलते, वो औरत उसको खाली औरत दिखती थी दारू पीने के बाद में, जो भी एक स्वाजर हाजिर होते हैं यहाँ आने के बाद में हाजिर कराए, और हाजिर करा के सवाल कराया भी। अभी इतना पूछा दिए इतना काफी है कि नशा क्यों कर रहा। उन्होंने तो कुछ नहीं बोले, उन्होंने खाली लाके मेरे सामने बिठाए, एक लफ्ज भी नहीं बोले उन्होंने। यहाँ पकड़े हो बला को, बला हाजिर हुई, उससे पूछा मैंने, उसने बोले कि इन्हें दारू पिलाने के लिए इसको ले जाते हैं, इसको दारू में मिला के कौन लोगों ने पिलाए थे वो आगे नाम खुलासा होगा, आगे नाम खुलासा करेंगे, क्योंकि अभी अभी नहीं, उसको एक मौका दिया अभी कि घर को जाएंगे वो बला, जाके सब नामा याद करके आएंगे, कौन डाले थे, क्या डाले थे, कितने लोग आते थे, क्या जादू करे, क्या तंत्र मंत्र था, फिर आके बयान करेंगे। अब उन्होंने उसको दारू छुड़ाने के लिए, दारू से मुक्ति कराने के लिए, उसकी नशे की आदत तोड़ाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गए होंगे, हर जगह जाके सब थक हार के आ गए, दवा गोलियां खिला के नशे की लत टूट रही नहीं। उसको कितना भी रोकने की कोशिश करेगी, फिर नशा करने भाग रहा, फिर नशा करने भाग रहा छूटा की, और पी के लौटते फिर रहा। यहाँ आने के बाद क्या सामने आया कि एक बला उसके अंदर छोड़ते, वो बला जाकर उसको ले जाकर वो शैतान शय भूत जो भी था वो ले जाकर उसको दारू पिला रहा था, और पिला पिला के उसको नशे में वो करके गर्व करा के उसी पर फ्यूचर बर्बाद करके सब पैसा धन दौलत सब बर्बाद करके खत्म करने के वास्ते करे थे। और क्यों करे थे उन्होंने वो भी बोला उसमें है रिकॉर्डिंग में सुनो, क्योंकि उन्हें तरक्की कर रहा था तो उसकी तरक्की देख के जल के करे। तो बताने का मकसद ये है कि देखो क्या नहीं कर सकते अमल अमलियात से, जादू टोने में क्या नहीं है बात। जादू टोने से तुम आपको बर्बाद कर सकते, जादू टोने से तबाही लगा सकते, जादू टोने से मार दे सकते, जान ले सकते, जिस्म को सड़ा दे सकते, गला दे सकते, बीमारियां डाल सकते जादू टोने से। और पढ़ाई कोई बहुत तरक्की कर रहा, पढ़ के बड़ा बहुत बड़ा इंसान बन रहा, उसकी पढ़ाई के आड़े डाल सकते अड़थड़े, उसका पढ़ने में दिल दिमाग नहीं लगा सकते, ये सब अमल अमलियात गंदे अमलों से सब लोग करते। फिर उसके बाद में क्या करते लोग, और
कि तुम अगर कुछ तरक्की करके बड़े लीडर बन रहे, नेता बन रहे, तो तुम्हारे पांव में जंजीरा डाल के रिवर्स खींच देते तुम्हारे, तुम्हारे उस मकाम तक नहीं पहुंचने देते कोई भी मामले में, जो तुम्हारा जायज मकाम है वहां तक तुम पहुंचना, वहां तक तुम्हारे नहीं पहुंचने देते, तरक्की नहीं होने देते कोई मामले में, वो सारे तरक्की के आड़े आ जाता, तो वही जादू टोना तंत्र मंत्र, ये बहुत खराब चीज है। और ये तंत्र मंत्र हटाने वाले दुनिया में बहुत कम लोग है। कांच का गिलास ऐसे जमीन पे फेंक के तोड़ दो, तोड़ना तो सबको आता मगर जोड़ना सबको नहीं आता, जोड़ने वाले बहुत कम रहते। तो वैसा तंत्र मंत्र लगाने वाले बहुत होंगे मगर हटाने वाले बहुत कम है, और हटाने वालों के पास में भी ऐसी ताकत रहती कि उन्हें ऐसा नस देख के नस्तर मारते, अगर जिसको भी मारना है कोई जादूगर को फटका देना है, किसको भी देना है तो ऐसा फटका देते, फिर जो हटाने वाले ने अगर किसी को फटका दे दिया तो फिर वो उससे तो कुछ नहीं बचा सकता, फिर उसको कुछ नहीं हटा सकता। उन्हें कहीं भी भेजेंगे बुजुर्गान दीन के पास जाएंगे, अल्लाह वालों के पास जाएंगे, वली अल्लाह के पास जाएंगे, तुम देखते देख लेते रहे, ये तो इस पर अल्लाह का आजाब नाजुल आला, क्योंकि अल्लाह वाले बुजुर्गान दीन ये शख्स किसी को जुल्म नहीं देते, जुल्म नहीं देते, उसके आमाल के हिसाब से उसको सजा देते, और आमाल के हिसाब से जब सजा मिलती तो फिर वो सजा ऐसी रहती तो उसको फिर कोई नहीं हटा सकता, मुकर्रर रहेगी वो सजा उसके ऊपर। इसलिए बचो ये सब बातों से, ये हरकतों से, ये कोई मजाक नहीं है, ये खेला, ये तंत्र मंत्र। और भी बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ दास्तान है, तुम लोगों को क्या बयान करूं मैं, क्या बातें बताऊं। इसलिए बेहतर है इबादत के रस्सी को मजबूती से थामना, और एक बात हमेशा याद रखना, कोई इबादत के नजदीक अगर तुम्हारा कुछ जाना दिल नहीं बोल रहा तो समझ जाना तुम्हारा दिल और दिमाग किसी शय के कंट्रोल में, और वो तुमको इबादत के नजदीक नहीं जान देती। दूसरी बात, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी औलाद है नशे के करीब भाग रही, बार बार तुम छुड़ा रहे और बार बार भाग रही, समझ जाना क्योंकि ये कुछ और खेल चल रहा है और अंदर कोई और बला बैठे रही और वो पी रही, क्योंकि मैं मेरी जबान ही नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे प्रैक्टिकल में बताया, देखो ये पकड़ के कैसा बताया, मारो इसको, नाला को बन के रख के मार दे रहा उसको तेज के साथ में, उन्हें सब नामा याद करके आके बयान करेगा मेरे को दूसरे चक्कर तक, सब नामा याद करके आना, तूने तो तेरे हाथा वाता काट दूंगा कम वक्त में दोनों भी, कोनी खाते है मधी है कशा मधी खाओ खाते होते काय गोष्ठी होती किती लोग होते हैं कौन कौन थे काय काय नाम है समझ याद करके आके सुनाना मेरे को, समझ में आया क्या? दूसरी चक्कर तक मौ खा दिया तुझे, अरे दारू पीने की आदत तुड़ा उसकी, अब अगर दारू पिया ना तुझे काट दूंगा मैं। तो ये सब ऐसे मसले चलते हैं मसाइल, इसलिए इबादत की रस्सी को मजबूती से थामना, दुआएं तुम्हारी को महफूज रखते हैं सब चीजों से, दुआ याद करना, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर कोई याद कर सकता, सबके वास्ते दुआ उतर रही है, ऐसा दुआ मुसलमानों के वास्ते नहीं है, सब अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल्लाह आलमीन है, सारे आलम के लिए रहमत बना के अल्लाह ने भेजा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए, सारे धर्मों के लिए। तो इसलिए तुम भी दुआ याद करो, दुआ तुम याद करेंगे और तुम महफूज रहेंगे तो तुम्हारा घर महफूज रहेगा, तुम्हारा कुटुंबा परिवार फैमिली महफूज रहेंगी तो तुम खुशहाल रहेंगे, एक भी मेंबर परेशान होगा तो पूरी फैमिली परेशान हो जाती है, उसकी तकलीफ कब दूर होती, बोल के बीमार होगा या कोई वबा में गिर गया या कुछ परेशानी में, सबका सुकून बेसुकून हो जाता। तो इसलिए ना बाप के खाने में दिल दिमाग लगता, ना माँ को, ना बहनों को, ना भाइयों को, किसका दिल दिमाग खाने में नहीं, कमाने में नहीं, कहीं नहीं लगता। एक फर्द अगर, एक शख्स अगर पूरे मेंबर फैमिली का एक मेंबर अगर बीमार होगा या परेशान होगा, सबका दिल दिमाग उसमें लगा रहता है उन्हें कब अच्छा होगा। इसलिए तुम अच्छे रहेंगे तो तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी, तुम्हारी फैमिली अच्छी रहेगी तो तुम सब खुश रहेंगे। इसलिए बेहतर है कि दुआ सबका हथियार है, सब याद करना दुआएं हर चीज के, आयतल कुर्सी याद करो नेट से निकाल के, नहीं याद कर सकते तो कम से कम एक बार सुनो कुल अल्लाह का सूरा, चारों कुल सुनते जाना सुबह शाम, ये सब दुआओं से तुम महफूज रहेंगे। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक दे और और बार बार मैं ये बोलता हूँ तुम लोगों को कि कोई मजाक नहीं है अमल अमलियात, देखे ना कैसा मरते और कैसा मरते सड़ सड़ के, बोला था ना मैं मेरे से जो भी पंगे लिए वो बहुत बुरा मरते सड़ सड़ के, और मारते थे मेरे पास की चीजा जाके, तुम अगर बुरा भी बोले तो जो खड़े वाली चीजा रहते जो मारते शैतानों को लड़ा लड़ा के, उन फौरी जाके तुम्हारे घर पे हमला करके नहीं मारते, अच्छा तुम बोलेंगे अभी बता दो चमत्कार, अभी नहीं बता, तुम बरबर मौके देख के मारते धीरे 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 गला गला के सड़ा सड़ा के मारते, बोला था मैं सब मरेंगे पंगे लेने वाले बहुत बुरे मौत से, तो ऐसा रहता आ गया समझ में, जितने भी लेंगे उसको बुरा बुरे तरीके से सड़ा सड़ा के तुम्हारे मारते, हम तुम्हारे घर में सबसे पहले चारों तरफ से जकड़ के तुम्हारे मारते, पैसा बर्बादी सब नहुसती लगा के, मैं लाख बोल दूं, मैं लाख तुम्हारे हक में दुआ भी कर दूं तो नहीं सुनते हो, क्योंकि वो आग के बने वाले चीज है और तुम मट्टी के पुतलो, तुम्हारे इतना गुस्सा है तो उनको कितना गुस्सा होगा, उनको कितना जला दूंगा, उनके अगर तुम उनके आखा के बारे, उनके जो उस्ताद के बारे में तुम बुरा बोलेंगे, उनके पीर के बारे में बुरा बोलेंगे, उनके बादशाहों के बादशाह के पीर के बारे में
पैसा छोड़िए फिर ये चीज अच्छी आएगी, शक्ति है ये, सक्सेस जो है ये तब गई की ताकत है जिनको बोलते हैं, बरोबर मारती खेर के और बहुत बुरा मारती गई की ताकत है, अगर पीछे पड़ गई तो उससे तुम्हारे को कोई नहीं बचा सकता, सिर्फ अल्लाह से पनाह मांगो ये सब चीजों की। और अल्लाह तुम्हारी मदद कब करेगा, जब तुम नेक सालहीन बंदे रहेंगे, अल्लाह के नेक बंदे, तुम अल्लाह के नेक बंदों को बुरा बोलेंगे तो फिर तो तुम बहुत मौत सड़ सड़ के मरे ना, ऐसे ही मरेंगे। मजाक समझे, मजाक समझ रहे थे, पैजामे में बेलने की बातें समझ रहे थे, हुई ना वबाए नाजिल, पता चला ना ऐसी बात रहती। कहने सुनने से ज्यादा अल्लाह सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह के वलियों को कभी बुरा मत बोलो, इसलिए तो अल्लाह ने बता दिया ना कि मेरे वलियों को अगर बुरा बोलिए तो मैं तुमसे खुले जंग का ऐलान करता हूँ, अल्लाह फरमाता चलो जंग के लिए तैयार हो जाओ। समझ गए, रेंगने वाले जमीन पे रेंगने वाले कीड़ो, अल्लाह से थोड़ी लड़ सकते तुम, अपनी औकात में रहा करो, ज्यादा औकात से उड़ने गए तो फिर ऐसे पर कट के गिरते जमीन पे कि रेंगने भी नहीं आता फिर। समझ गए, चलो अल्लाह का इन्हें सुनने से आपको सबको अमल करने की तौफीक दे। कहाँ से आए थे, कुटुंब वाले होते हैं, कहाँ से आए, नांदेड़ जिला, चल रहे जा सब याद कर क्या भक्त का नाम है, संतोष संतोष राव पानी दो, हाँ धनदोष पानी दे है, पानी दे भाई, संतोष रहो पानी पियो, पियो पानी।